सहरसा के बसनीही थाने के ननोती गांव से 12 साल की एक युवती की सिरकटी लाश बरामद हुई है। सुरसर नदी में तलाशी के दौरान ये लाश बरामद हुई है। इसी नदी से 2 दिन पहले 25 साल की एक युवती की लाश भी बरामद हुई थी। पुलिस ने बरामद लाश का पोस्टमार्टम करवाया है, साथ ही मृत युवती की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। लाश हमारे बराबर को सूचना मिला, दमेती घाट पर एक लाश पहुंच के आया और उसी को जो है सब चौकीदार फोन हुआ कि आप आइए, तो हम वहाँ आए तो हम लोग देखे कि लाश कटा हुआ, सर जो है धर अलग था, तो उसी को बरामद करके हम लोग ऊपर किए। उसके बाद जब लास्ट समय होने लगा तो देखे कि सर भी बह के उधर से आ रहा था, तो उसको भी उठा के हम लोग अंदर किए। तो क्या अभी तक इसका कोई शिनाख्त वगैरह? अभी तक कोई इसका शिनाख्त नहीं हो पाया जी। नहीं, 2 दिन पूर्व भी मिला था एक लड़की का सर, अब उसमें तो हम नहीं थे सर, लेकिन जानकारी है ना आपको मिला था सर? हाँ, वो तो जानकारी है, पोस्टमार्टम होके कल ही गेवे उसी नदी से मिली थी, उसी नदी से भी लाश मिला। नदी से 2 दिनों के भीतर 2 लड़कियों की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही पुलिस के सामने उन दरिंदों को गिरफ्तार करने की भी बड़ी चुनौती है जिन्होंने बर्बरता से 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।